अब हम ऐसे एडी पढ़ने के बाद अब हम ओरल पढ़ लेते हैं। मेरी क ख पुस्तक ओपन करेंगे, आप लोग खोलेंगे, उसमें अ से अनार से ऋषि ऋख तक हम पढ़ेंगे। योर बुक, हाँ देखिए ये है, आ से अनार है मीठा फल, इसके जूस से मिलता बल। आ से आम की बारी आई है, आ से आम है सबको भाता, इसको कहते फलों का राजा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ई से इमली, ई से इमली सभी को भाती, खट्टा स्वाद यह याद दिलाती। ई से ई की सुनो कहानी, मीठा स्वाद और मीठी वाणी। उल्लू पक्षी बनता उसे, काम करो तुम तन और मन से। उसे बनती ऊन बहन, ठंड लगे तो स्वेटर पहन। नेक्स्ट है ऋषि, ऋषि सदा ध्यान में रहते ऋषि, बांटे ज्ञान और देते खुशी। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ए से एडी, ऐसे एडी पैर के नीचे होती एडी, इसे उठाकर इमली तोड़ी। पैर के नीचे होती एडी, इसे उठाकर इमली तोड़ी। पैर के नीचे होती एडी, इसे उठाकर इमली तोड़ी। ओपन योर बुक, सॉरी क्लोज योर बुक बेटा, उसके बाद हम आपको राइम्स पढ़ाएंगे। आज नया पोयम सिखाएंगे आपको, पेज नंबर आपका आएगा, पेज नंबर आपका आएगा 4, सॉरी पेज नंबर 17, पोयम नंबर 4 घड़ी। ठीक है, कविता नंबर 4 घड़ी। घड़ी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, इसको तो पढ़ चुके हैं एक बार, और हम एक बार और पढ़ा देते हैं आपको। टिक टिक कर घड़ी चलती, टन टन करता घंटा, जो घड़ी को देख कर चलता, बड़ा वही है बनता। फिर से बोलिए, टिक टिक कर घड़ी चलती है, टिक टिक कर कर घड़ी चलती है, टन टन करता घंटा, जो घड़ी को देख कर चलता, बड़ा वही है बनता। ठीक है बेटा, आपको पोयम को बार बार रिपीट करना है, ये आप लोग के एग्जाम में आएगा, आप लोग को बार बार इसी को पढ़ना है। टुडेज वर्क कंप्लीट, थैंक यू।